सुनो जी, उठ भी जाओ, सुबह हो गई है, और चाय पी लो, उठ जाओ। कमाल है भाई, सुबह सुबह आकर मुंह दिखा दिया, सारा दिन खराब जाएगा मेरा आज। क्या हो गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इस तरीके से नाराज हो रहे हो? मैं सिर्फ चाय तो लेके आई हूँ। मुझे उठाने वाले मेरे बाप हैं। तुझे क्या जरूरत है सुबह सुबह मुंह दिखाने की? वो मैं इसलिए आ गई कि पिताजी सुबह उठ के खेत की तरफ चले गए थे। पिताजी खेतों की तरफ गए हैं तो तू क्यों आ गई मेरे पास? आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए मैं आपको जगाने आ गई। और आप इस तरीके से चिड़चिड़ा के गुस्से में क्यों बात करते हो? कभी मुझसे प्यार से भी बात कर लिया करो। तू यहाँ से जा, खाना बना और मौज ले, ठीक है? मेरे मुंह मत लगा कर। तुझे पहले ही समझा चुका हूँ मैं, अब फिर समझाऊं क्या तुझे? उठाने वाला मुझे मेरा बाप भी है, मेरे फोन में अलार्म भी है और मैं खुद भी उठ सकता हूँ। आप ये क्या बोल रहे हो? ये मेरा हक है आपको उठाने का, और वैसे भी आपको पिताजी कब तक उठाएंगे? मैंने कितनी बार कहा है मुझे उठाने वाले मेरे पिताजी भी हैं, और मेरे फोन में अलार्म भी लगा हुआ है और मैं खुद भी उठ सकता हूँ। तेरी समझ में क्यों नहीं आती है बेशरम औरत? तेरा मुंह देखने के बाद मेरा पूरा दिन खराब जाता है। शायद आप ठीक कह रहे हो, मेरा चेहरा देखने के बाद आपका पूरा दिन खराब ही जाता है। तो एक काम कर, कप उठा और निकल जा मेरी नजरों के सामने। आपको क्या हो गया? हर वक्त मुझसे इस तरीके से ही बात करते रहते हो। निकल जा या बताऊं अभी? मैंने पिताजी से कितनी बार कहा है कि मुझे उठा दिया करो। अतर, तू एक बात बता, हर समय उदास रहता है, जब भी तुझसे पूछो तो कहता है मेरा मूड खराब है। घर वाले तुझे मारपीट कर रहे हैं कैसे? सर, मूड तो खराब हो गया है। जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ तो कभी चाची कभी ताई कुछ न कुछ कहते रहते हैं, और प्लस पिताजी भी कहते रहते हैं। मतलब तुम्हारी चाची ताई क्यों बोलती हैं? तुम्हारे पिताजी का हक क्या कहने का? तुम्हारे पिताजी ने कह रखा है उनसे? क्या बताऊँ सर, मजबूरी है, सुननी पड़ती। चल छोड़, ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया कर, और चल कुछ खा कर पीते हैं, तेरा भी ठीक हो जाएगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है। चल छोड़ इन बातों को, चलो चलते हैं खाने के लिए। पिताजी, तुम हुक्का पीते हुए बहुत अच्छे लगते हो। हाँ हाँ, लगते होंगे अच्छे। तू बता, फिर क्या बात है? पिताजी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तुम खेतों की तरफ जाया करो तो मुझे उठा दिया करो। पिताजी, खाना ले आऊं? हाँ बेटा, खाना ले आओ, ये भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं इनके लिए और आपके लिए खाना लाती हूँ। मेरे लिए खाना मत लेके आना, मैं तो बाहर से खा कर आया हूँ। क्यों रे, तू एक बात बता, खाना बनाने के चक्कर में तो तेरी शादी की, फिर भी तू खाना बाहर से खा कर आ रहा है। पिताजी, ये मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती है, इसलिए मैं बाहर से खा कर आता हूँ। क्या कहा, मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती? अरे तुझे बाहर का खाना खा के तेरा पेट खराब हो जाए, तेरी तबीयत खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? पिताजी, एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, इनका रोज का काम है बाहर खाना खाने का। हाँ भाई, तो तुझे क्या दिक्कत है? तू हर समय उल्टा क्यों बोलता है बहू से? पिताजी, ये बहू तुम्हारी पसंद है, मेरे पसंद नहीं है, और तुम खाओ इसके हाथ का खाना, मुझे नहीं खाना। अरे ये कैसे नहीं है तेरी पसंद? हाँ नहीं है मेरे पसंद। भाई भाई, आजकल के बालक भी कमाल करते हैं, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? हाँ पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ। अरे सत्यानाशी, तेरी तो मत भंग हो रही है, पता नहीं किस किस के बहकावे में आ रहा है, घर में पनीर और भागता फिर रहा है दाल को। अरे पिताजी, ये कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर पर खाना नहीं खाता हूँ तो किसी दूसरे के घर पर खाता फिरता हूँ। अरे बेटा, मैं ये थोड़ी कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि हर एक बाप अपने बेटे की शादी करके ये सोचता है कि गरम गरम रोटी और कपड़े धुले हुए मिलेंगे और घर में सुख शांति बनी रहे। मुझे नहीं है इसके काम की जरूरत, अपना काम मैं खुद कर लूंगा, और वैसे ही मुझे ये पसंद नहीं है। आप हर समय ऐसी बातें क्यों करते हो? तू बता कैसी बात करूं गरीब खानदान की, फिर मैं उसी हिसाब से बात किया करूंगा।
ओहो, अमीर बाप की औलाद, तू क्या इसके बाप से हवाई जहाज लेगा, उससे खा कमाएगा? अरे तेरे पास सब कुछ है, अपना खा और कमा। मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इससे कह दो ये मुझे रोटी परस के ना दे। मेरी बात सुन, घर में ठीक ठाक से काम कर ले और बहू से कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ना है। पिताजी इससे कह दो ये मुझसे फालतू ना बोले और मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अरे ये क्या समझ ले, ये तो समझी हुई है, पूरे घर का काम कर रही है और सबकी देखभाल भी कर रही है, और क्या करवाएगा तू इससे? तुम करवाओ इससे अपना काम, मुझे कोई मतलब नहीं है, और इससे कह दो मेरा काम ना कर। फिर तुझे इसके घर पर सेहरा बांध के जाना जरूरी था क्या? तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, मेरी मर्जी से नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, या फिर बताओ अभी। समझ में नहीं आ रहा। आओ राम राम। राम राम भाई, राम राम। आप बैठ। और सुनाता हूँ क्या हाल है? बस बढ़िया है। तो सुना भाई कैसे आना हुआ? तो वैसे तो सब ठीक है, तुम ये बताओ ये घर में रामायण जी कैसे चल रही है? ये भाई क्या बता, सारे गांव में मैंने ये सुना है तुम्हारे घर में हर समय लड़ाई होती रहती है। भाई तुझसे कौन कह रहा था हमारे घर में हर समय लड़ाई रहती है? ताऊ अब बात को क्यों घुमा रहे हो, जब तुम्हारा लड़का तुम्हारे बस में नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? हाँ हमें पता नहीं है, हम दूर के नहीं है, पड़ोस में रहते हैं। हाँ हमें सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। देख भाई हरि, जब बालक शादी लाग हो जाते हैं तो शादी तो करनी पड़ती है, बात रही उसे समझाने की तो मैं उसे समझा दूंगा। देख भाई बराबर का है, पीट तो सकता नहीं उसे, तो मैं उसे पीट कर समझा दूं। ताऊ ये रिश्ता मैंने इसलिए थोड़ी कराया है कि तुम लड़की को परेशान रखो। भाई गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, पर मैं क्या करूं। हरिओम तू हमारे घर क्यों आया है? तूने शादी करवा दी, बात खत्म, अब क्या लेने आया है? भाई शादी कराइए तो आना तो पड़ेगा। भाई शादी कराने का बात कोई नहीं पूछता बेचौंधिया को। देख लो ताऊ ये क्या कह रहा है। बेटा अपने घर आने वाले की बेइज्जती नहीं करते हैं। पिताजी ये तो बेइज्जती करने लायक ही है। ताऊ देख लो या तो इसे सुधार दियो, नहीं तो मैं सुधार दूंगा इसे। चला जाएगा पिट के जाएगा। तू ये बता तुझमें कभी बुद्धि आएगी या नहीं कि हर समय झगड़ा ही करता रहेगा? ये तेरी बात ठीक नहीं है, उसी ने तेरी शादी कराई और उसी से तू झगड़ा करता रहता है। हाँ करा दी उसने मेरी शादी, मेरी शादी करा के मैं तो झंझट में डाल दिया। हाँ तू सही कह रहा है, गलत करा दी उसने तेरी शादी। तू तो गली गली में रड़ुआ फिरता ना, तभी ठीक रहता। हाँ मैं जब ही ठीक रहता। तेरे संग शादी करके उस बहू के और कर्म फूट गए और साथ में मेरे भी। अच्छा पिताजी तुम्हारे कर्म भी फूट गए और बहू के भी, तुम्हारा ना हुआ कुछ भी, कर्म तो मेरे फूटे हैं उससे शादी करके। तुझसे अच्छा तो कुत्ता पाल लेता ना तो वो तो भी वफादार होता, तूने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। पिताजी तुमने मेरी बात पर तो विश्वास नहीं किया, उसकी बात पर तो बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। तुम उसके पिताजी हो कि मेरे? तुझमें पिताजी कहने जैसे लक्षण है जो तू पिताजी कहेगा। अरे देख उस बहू को पूरे दिन लगी रहती है, कभी चाय कभी पानी कभी रोटी, चला जा मेरी नजरों के सामने से। अतर तू एक बात बता, उस दिन वो उदास था और आज भी उदास है, ऐसी क्या बात है, बता क्यों नहीं देता? क्या बताऊं सर? हाँ हाँ बता तो सही, जब तू बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? सर मेरे पिताजी ने मेरी शादी मेरे बगैर मर्जी से की है
और वो मुझे पसंद नहीं। अरे यार, तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अगर तुझे पसंद नहीं है तो तलाक ले ले। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरी बात सुन गौर से। क्या मतलब? तू मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तलाक लूंगा तुझसे और दूसरी शादी करूंगा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं दूसरी शादी करूंगा तो करूंगा। पर क्यों? इतने पर तू रहना चाहे तो रह सकती है, वरना तलाक लेकर जा सकती है। आप मुझे ये बात बताने के लिए आए थे या फैसला सुनाने के लिए? हाँ, फैसला सुनाने के लिए। ये बात कहने से पहले एक बार सोच तो लेते। ये कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है कि जब चाहे जोड़ लिया और जब चाहे तोड़ दिया। अब हो गई तेरी बात? तो मेरी भी कुछ मर्जी है, मैं पिताजी से बात करूंगी। मैंने कर ली पिताजी से बात और तू जाकर बात कर ली। तो क्या कहा था पिताजी ने? पिताजी ने कहा था जा समझा लिए उसे, राजी कर लिए उसको। तुमसे एक तो रख ही नहीं जा रही और दूसरी की बात कर रहे हो। ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे एक शादी करूं या दो शादी करूं, जो मैंने फैसला सुना दिया वो अटल रहेगा। ये फैसला अपने पिताजी को शादी होने से पहले सुना देते तो आज ये नौबत आती नहीं। मुझे नहीं पता, तू जाने तेरा काम जाने, ठीक है? क्या करूँ इनका, ना मैं इनका फैसला ले सकती ना ही मना कर सकती। गरीब घर की हूँ ना, इसलिए अक्सर गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? पिताजी मुझे नहीं रखनी ये, मुझे तो तलाक लेनी है इससे। अरे होश में तो है, ये तो क्या कह रहा है? हाँ मैं होश में हूँ। चल आप तुझे ही देखता हूँ, तू कहाँ बैठता है और तुझे कौन सिखाता है। यार अतर, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने तो अपनी दो दो पत्नियों से तलाक ले ली। पर मुझे बताओ मैं क्या करूं? अरे यार, औरत तो पैर की जूती होती है, जब चाहे पहनो और जब चाहे उतारो। अरे कहाँ गया था तू? अपने सर को फोन करके बोला, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सर आपको पिताजी बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बस अभी आ रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। पिताजी अभी थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बुलाया था। बहू एक काम करो, डंडा लाना उठा के। अरे ताऊ क्या बात हो गई, बात तो बताओ मुझे। हाँ बात तो बताऊं भाई, और बताने के लिए ही तो बुलाया है। कल ऑफिस में बैठ के अतर को क्या सिखा रहा था? कौन मैं? मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा था। मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, तो फिर भी झूठ बोल रहा है। अगर तेरे जैसे सर इस दुनिया पर रहे तो हर एक बेटे के माँ बाप का सपना सपना बनकर ही रह जाएगा।
सॉरी ताऊ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, अब निकल यहाँ से। मुझे माफ कर दो, वैसे मैं माफी के लायक नहीं। हाथ मत जोड़ो, मैं पहले भी तुमसे बहुत प्यार करती और आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है।